बीते दिनों भिलाई नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे व उनके समर्थकों द्वारा महतारी वंदन का फॉर्म मतदाताओं से भरवाए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर 2 दिन के भीतर जवाब व स्पष्टीकरण मांगा था। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी की गारंटी नामक संकल्प पत्र के अनुसार पूरे प्रदेश में महिला मतदाताओं से महतारी वंदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्वाचन आयोग से की गई थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तेज हो रही सरगर्मी के बीच पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्म पहले चरण में हुए किसी भी विधानसभा में नहीं भरवाया गया, जबकि 17 तारीख को होने जा रहे मतदान चरण की सीटों पर ये महतारी वंदन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसमें घर घर जाकर महिलाओं से उनकी जानकारी लेकर फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि चुनाव के बाद हर महीने 1,000 रुपये यानी साल के 12,000 रुपये उनके खाते में मोदी सरकार ट्रांसफर करेगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस फॉर्म के साथ भाजपा ने ना ही किसी भी महिला का पहचान पत्र मांगा है और ना ही बैंक खाता से संबंधित कोई भी दस्तावेज, जो कि इस फॉर्म के पुष्टिकरण पर संशय की स्थिति पैदा करता है। वहीं बता दें, स्थानीय भाजपा नेता इसे सिर्फ एक सर्वे ठहरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इसे फर्जी ठहरा है। देखना होगा कि 2 दिनों के भीतर भिलाई नगर से भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे इसका क्या स्पष्टीकरण दे पाते हैं या फिर चुनाव आयोग आगे कैसी कार्रवाई करती है।